अजय देवगन को बतौर हीरो तो आपने काफी फिल्मों में देखा है, लेकिन अब अजय देवगन बतौर विलन भी आपको दिखाई देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है आरजे अंकुर _IG। हाँ जी, तो संजय लीला भंसाली ने अपनी अगली आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर रिलीज किया, जिसमें आपको आलिया भट्ट दिखाई दे रही है। क्या ताबड़तोड़ एक्टिंग की है आलिया भट्ट ने, वो टीजर से ही समझ में आ रहा है। लेकिन अब इस लिस्ट में यानी कि इस फिल्म की कास्टिंग में एक और नाम जुड़ गया है, और वो नाम है अजय देवगन। आज से अजय देवगन इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये पहला मौका है जब अजय देवगन और आलिया भट्ट एक साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे, और 22 साल बाद अजय देवगन संजय लीला भंसाली की किसी मूवी में फिर से नजर आ रहे हैं। वरना इससे पहले वो संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम में नजर आए थे, जहां पर आपने देखा था कि सलमान खान और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री को कितना पसंद किया गया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म में अजय देवगन जो है वो करीम लाला का किरदार निभाएंगे, और करीम लाला वही किरदार है जहां पर गंगूबाई उनसे न्याय की गुहार लगाने जाती हैं, और यहीं से अजय देवगन का एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक विलन कैरेक्टर सामने आएगा। तो तैयार रहिए अजय देवगन को एक नए शेड में देखने के लिए, और आलिया भट्ट भी साथ में, यानी कि बेहतरीन एक्टिंग का नमूना पेश किया जाएगा इस फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी में। इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करूंगा, कोई नई अपडेट आएगी तो आपको जरूर बताऊंगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।